आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज वार्ता 24 आपके लिए लेकर आए हैं भारत देश के टॉप 10 मोस्ट वांटेड महिलाओं की लिस्ट। दरअसल यूपी में अतीक अहमद हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर हाई अलर्ट जारी कर चुकी है। अतीक अहमद की पत्नी पहली ऐसी महिला नहीं है जो मोस्ट वांटेड महिलाओं की लिस्ट में आती है, पहले भी ऐसी कई महिलाएं रह चुकी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 10, सोनू पंजाबन। सोनू पंजाबन को भला कौन नहीं जानता। सोनू पंजाबन देह का व्यापार करने वाली महिलाओं में सबसे पहले नंबर पे आती हैं। इसने मुंबई की एक 13 साल की नाबालिग लड़की का देह व्यापार किया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। सोनू पंजाबन का देह व्यापार पूरे मुंबई में फैला हुआ था और ये इतनी खतरनाक थी कि इनके डर से मुंबई में कई गरीब परिवार अपनी लड़कियों को इनसे छुपा कर रखते थे। सोनू पंजाबन पर पोक्सो एक्ट और 5 क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। नंबर 9, संतोख बहन साराभाई जडेजा। संतोख बेन साराभाई जडेजा गुजरात के पोरबंदर की रहने वाली एक सीधी सादी महिला थी। इन पर पति की हत्या होने के बाद इनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था और जिन लोगों ने इनके पति की हत्या की थी उन लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इन्हें गॉडमदर के नाम से भी जाना जाता था और इसी के साथ इन पर 14 हत्याओं का केस दर्ज है। इन्हीं की जीवन शैली पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने गॉडमदर फिल्म बनाई थी। नंबर 8, शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है जो कि जुर्म की दुनिया का जाना माना चेहरा बन चुकी हैं। पुलिस का मानना है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ही वो दौर हैं जो अतीक अहमद के काले साम्राज्य के बारे में सब कुछ जानती हैं। हत्या के बाद पुलिस का पूरा ध्यान शाइस्ता परवीन को ढूंढने में लग चुका है। यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है शाइस्ता परवीन को पकड़ने की। नंबर 7, केडी कैम्मपा। केडी कैम्मपा बेंगलुरु की सीरियल किलर हैं। इन्हें साइनाइड किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये बेंगलुरु के बड़े और अमीर लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं और फिर उनसे जब तक बनता है तब तक अपना काम निकलवाती हैं, उनसे पैसा लूटती हैं और फिर अंत में उनको साइनाइड देकर उनको मार देती हैं। इस जुर्म के लिए कोर्ट के द्वारा केडी को सजाए मौत सुनाई गई थी लेकिन बाद में ये सजा उम्र कैद में परिवर्तित कर दी गई। नंबर 6, बशीरन उर्फ मम्मी बलिदान। बशीरन को मम्मी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसके 8 बेटे भी उसी के साथ जुर्म की दुनिया में उसका साथ देते हैं। वशीकरण में हत्या करने, शराब तस्करी, किडनैपिंग जैसे कई मामले इनके पूरे परिवार पर दर्ज हैं। बशीरन उर्फ मम्मी बलिदान का परिवार दिल्ली के परिवारों में सबसे खतरनाक परिवार में से एक था। इनके परिवार को मोस्ट वांटेड परिवार घोषित कर दिया गया था। नंबर 5, रुबीना सिराज सैयद। रुबीना सिराज सैयद को अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। रुबीना सिराज इतनी खूबसूरत थीं कि इन्हें देखकर कोई पुलिस वाला ये नहीं कह सकता था कि वो एक लेडी डॉन है। धीरे धीरे उनके कारनामों के सबूत मिलते गए और पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रुबीना का संबंध मुंबई के डॉन छोटा राजन से था और ये जेल में बंद छोटा शकील और उनके लोगों तक हथियार पहुंचाने जैसे कई बड़े काम भी कर चुकी हैं। नंबर 4, अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा उज्जैन के मध्य प्रदेश की एक सीधी साधी महिला थी। इनका सपना हीरोइन बनने का था, इसीलिए उन्होंने मुंबई के उस समय के डॉन रहे बबलू श्रीवास्तव से हाथ मिला लिया। हालांकि बबलू श्रीवास्तव से मिलने के बाद ये हीरोइन तो नहीं बनी पर एक खूंखार अपराधी जरूर बन गई। इन्होंने कई किडनैपिंग केस बबलू श्रीवास्तव के लिए हैंडल किए थे। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा को किडनैपिंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, बेला ओटी। बेला ओटी 70 के दशक की सबसे बड़ी शराब माफियाओं में से एक महिला थी। इससे मुंबई के उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन वर्धा भाई की भी हिम्मत नहीं होती थी कि इनसे पंगा ले लें। सरकार द्वारा जब पूरे मुंबई में शराब के खिलाफ रोक लगाई हुई थी ऐसे समय में भी बेला ओटी ने पूरे मुंबई में शराब की तस्करी की और किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि इन्हें रोक ले। बेला ओटी उस समय काफी खौफनाक थी और खौफ की दुनिया का दूसरा नाम थी। नंबर 2, शकीला। शकीला दिल्ली के मोस्ट वांटेड महिलाओं में से एक थी। शकीला के दिल्ली NCR में जुआ का सबसे बड़ा अड्डा खोला हुआ था। जुआ अड्डा खोलने से पहले ये यहीं आसपास सब्जी बेचने का काम किया करती थी। गैंगस्टर छनू पहलवान जो कि दिल्ली के कुख्यात डॉन में से एक थे उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई अपराध किए और जुए की दुनिया में प्रवेश किया। नंबर 1, हसीना पारकर।
मुंबई के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर को शायद ही कोई नहीं जानता होगा। हसीना पार्कर लेडी डॉन के लिस्ट में पहले नंबर पे आती हैं। हसीना पार्कर अपने भाई दाऊद इब्राहिम के अवैध कार्यों को पूरा करने में एक मेंबर थी, लेकिन एक नंबर भी थी। जानकारी एजेंसी के मुताबिक ये पता चला कि हसीना पार्कर ने अपने भाई दाऊद की भारत छोड़ जाने के बाद उनके सारे अवैध कार्यों को संभाला। हालांकि उसकी कुछ ही सालों पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज वार्ता 24 में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।